दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम जो कि मिड में है। अभी हम हाँ तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की ओर और आप यहाँ की ब्यूटीनेस और यहाँ की सुंदरता देख सकते हैं कितना गजब हो रखा है। तो जैसे दोस्तों अभी जैसे हम रुके हैं और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं हिमालयन दर्शन, जो कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं और ये अगर सुंदरता दिख जाती है तो लोग अपने फ़ोनों में कैद करते हैं जैसे हम लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो यहाँ की सुंदरता देखिए कितना ब्यूटीफुल हो रखा है। तो यहाँ का सीनरिक व्यू, यहाँ के माउंटेन्स, मतलब आपको यहाँ पर बार बार खींचेगी यहाँ पर आने के लिए। लेकिन दोस्तों जब भी आप पहाड़ में गाड़ी चलाएं या फिर बाइक चलाएं, यहाँ की रोडें बहुत ही पतली और संकरी होती है तो आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना है। तो दोस्तों अभी हम जागेश्वर धाम टेम्पल से कुछ ही दूरी में हैं और हमने सोचा यहाँ पर रुक के थोड़ा सा वीडियो शूट, थोड़ा सा यहाँ का सीनरिक व्यू को अपने आँखों में कैद कर लेते हैं। अभी हमारे वो जीजा खड़े हुए हैं तो वो किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, हमारे चाचा जी का वेट हो रहा है क्योंकि वो पीछे रह गए। तो सोचा चलो हम थोड़ा यहाँ मस्ती कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सोचा चलो इसे हम खड़ी पहाड़ में चढ़ के थोड़ा यहाँ की सुंदरता देख लेते हैं। तो वाव देख सकते हैं यहाँ के पेड़ और यहाँ के जो ग्रास है, मिट्टी भी कितनी, मतलब यहाँ पर बहुत स्लिपरी हो रखा है। तो हमें संभाल संभाल के ऊपर चढ़े हैं और यहाँ का थोड़ा सा हम व्यू ले रहे हैं। अभी बस हमारे चाचा आने वाले हैं, सोचे यहाँ पर वीडियो शूट कर लेते हैं, कुछ मस्ती कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे जीजा जी को। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम जो कि मिड में है। अभी हम रास्ते के अभी हम अपने एक राइडर का वेट कर रहे हैं और दोस्तों मौसम इतना ज़बरदस्त हो रखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं एकदम चारों तरफ बारिश ही बारिश है। पर हाँ ये तो बारिश है, एक्साइटमेंट नहीं होना है, बहुत संभल के ड्राइविंग करनी है क्योंकि रोड्स एक तो बहुत संकरी है और प्लस स्लिपरी भी है, इसलिए बहुत ध्यान से आपने राइडिंग करनी है। जैसे कि आप चारों तरफ देख पा रहे हैं बारिश हो रखी है, बिल्कुल एकदम सुहाना मौसम है बिल्कुल। और मैं बताऊं अगर आप गर्मी में आए चाहे ठंड में आए, ये बारिश में आने का मज़ा ही कुछ और है क्योंकि मैं पहले भी एक बार बारिश में आ चुका हूँ। हाँ रिस्की होता है बारिश में क्योंकि लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, पर फिर भी बारिश में आने का एक अलग ही एंजॉयमेंट है। जैसे कि चारों तरफ इधर ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश आराम आराम से हो रही है और बहुत बढ़िया। और ज़मीन से बहुत ऊँचे देखिए किस तरीके से स्लैंड हाइट है और यहाँ पर जितने भी जो पहाड़ है इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। जैसा हमारे जीजा ने कहा कि हाँ बारिश में आने का एक मज़ा ही कुछ और है, बट आप संभल के आइएगा और संभल के ड्राइव कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। तो दोस्तों लगभग हम आ चुके हैं जागेश्वर धाम, तो अब आगे जाके हम मंदिर पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ का मंदिर कैसा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जागेश्वर धाम टेम्पल। जागेश्वर मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और जो ये मंदिर के आसपास जितने भी आप ये मंदिर देख रहे हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, तो ये 125 से अधिक बड़े और छोटे मंदिर हैं और आई थिंक 108 शिवलिंग मैंने यहाँ पर जाके देखा। आप यहाँ जितने भी छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं इसके अंदर शिवलिंग रखी हुई है। पर 108 फोटो खींचेंगे बहुत टाइम लग जाएगा ना, 108 अगर शिवलिंग है। शिवलिंग तांडेश्वर मंदिर है, शिवलिंग
नकुलिश मंदिर। बाहर जाकर आपको चीज ही दिला रहा हूं ना, छोड़ दे इसको। और देना यहां तो मत करो, यहां थोड़ा बैठ कर ध्यान लगाओ। अच्छा ध्यान लगाओ, बैठ के यहां बैठ के ध्यान लगाओ। चलो तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, बट मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको बता दूं कैमरा अलाउड नहीं है, तो ऑफ कैमरा पे हम जाके दर्शन करके आए हैं। एक फोटो ले लूँ ऊपर से, ऊपर चला है। जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ये कुबेर मंदिर की ओर जाता है, तो हम जागेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं कुबेर मंदिर, तो वहाँ पर हम दर्शन करके अब सीधा हम जाएंगे अल्मोड़ा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की ओर, फिर वहाँ पर हम रुक के फिर अगले दिन नेक्स्ट डे हम जाएंगे मुक्तेश्वर टेंपल, फिर वहाँ का आपको सीन दिखाएंगे, वहाँ का वीडियो दिखाएंगे। तो अभी के लिए बाय,